तो स्टार्ट करते हैं। BHU 2019 का ये पेपर है, क्वेश्चन नंबर 61 से। इसके पहले के क्वेश्चंस हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं 60 तक। तो BHU 2019 क्वेश्चन नंबर 61, तो देखते हैं। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी थे, इस वीडियो में भी हैं। ये एक रिलेशन दे रखा है, ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है, एक्स वाई जेड पूछा गया है। तो आई थिंक ये डिटरमिनेंट भी, अगर जिसने ढंग से पढ़ाई करी है तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करा होगा। तो अगर कोई रो या कॉलम, कोई एक डिटरमिनेंट है, उसकी एक रो या एक कॉलम में दो दो एलिमेंट का सम है, तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से, एक्स वाई जेड ये एलिमेंट लिख लिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये एलिमेंट लिख लिए, और 111 पहले वाला एलिमेंट लिख लिया, प्लस कर लें दूसरा एलिमेंट लिख लें, एक्स एक्स स्क्वायर, अब बचेगा एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर, यहां पे आएगा वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर, यहां पे आएगा जेड क्यूब। अब इस डिटरमिनेंट पे अगर हम देखें, इसको डेल्टा डैश नाम दे देते हैं। इस डिटरमिनेंट से फर्स्ट रो से एक्स, सेकेंड रो से वाई, थर्ड रो से जेड कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई जेड बन जाएगा ये 111 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको हमें इसी फॉर्मेट में लाना है, तो ऑब्वियसली कॉलम्स को हमें इंटरचेंज करना होगा। तो देखो जरा, इसको इसके फॉर्म में लाना है, तो पहले एक्स वाई जेड इधर ले आते हैं, मतलब C1 और C2 को इंटरचेंज करते हैं, एक रो और एक कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो आता है एक माइनस साइन आ जाएगा, डेल्टा डैश हो गया, प्लस यहां पे एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड, यहां पे एक्स वाई जेड, दिस विल बी 111, दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब ये डिटरमिनेंट चाहिए, तो हमें सी टू और सी थ्री को भी इंटरचेंज करना होगा, तो फिर से एक चेंज आया, फिर से एक चेंज आया, तो फिर से एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वन ये वन ये वन। अब देखो ये फिर से डेल्टा डैश हो गया, इसी को तो डेल्टा डैश लिया था हमने, और ये डिटरमिनेंट देखोगे तो जीरो दे रखा है डेल्टा, तो डेल्टा इज जीरो, ये डेल्टा डैश प्लस एक्स वाई जेड डेल्टा डैश इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा डैश जब हमने कॉमन लिया तो ये आ रहा है वन प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब या तो डेल्टा डैश जीरो आएगा ये डिटरमिनेंट, या फिर एक्स वाई जेड, इसको जीरो करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, सिंपल, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस वन। तो नेक्स्ट टाइम से इस डिटरमिनेंट और ये वैल्यू याद रखना कि एक्स वाई जेड माइनस वन आता है, तो सी इज द आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज आइडेंटी मैट्रिक्स। अच्छा, थ्री क्रॉस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटी मैट्रिक्स भी थ्री क्रॉस थ्री ही आएगी, तो पहला एलिमेंट ए वन वन कैसे आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके, तो पहला एलिमेंट निकाल लो, टू इंटू माइनस एक्स माइनस टू एक्स, जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस सेवन एक्स, तो पहला एलिमेंट आ गया फाइव एक्स, और पहला एलिमेंट मस्ट बी क्या होना चाहिए, वन,
पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक्स की वैल्यू 1/5 आ रही है, नन ऑफ दीज वगैरह है नहीं, तो फिर पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1/5, ए इज द आंसर। सिंपल, तो एक ही बार ए 1/1 तुम्हें निकालना है इसे प्रोडक्ट में और उसको 1 करना। लेकिन अगर आंसर में नन ऑफ दीज होता तो फिर हमें पूरा चेक करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ln of tan of ये पाई बाई फोर होगा, दिस इज पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो इसका dy बाई dx, ln का dy बाई dx क्या आता है, 1 अपॉन जो भी लिखा है tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, फिर tan का करो तो sec स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का करेंगे तो एक्स बाई टू आ जाएगा 1/2। तो अब देखते हैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस इज 2, टैन क्या होता है साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और sec स्क्वायर से आ जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, एक cos और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो नीचे तो बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई टू प्लस एक्स एंड सॉरी sin पाई बाई टू प्लस एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा आता है कॉस थीटा, थीटा क्या है एक्स है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा सिंपली sec x। तो इट्स आंसर इज डी, इसका आंसर क्या हो गया डी हो गया, इसका आंसर डी आ रहा है सिंपल। नेक्स्ट देखो 64, इसका डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो साइन इनवर्स का डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा सब लोगों ने, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जो भी लिखा है उसका स्क्वायर इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां कोशेंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर अंडर रूट लेने पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इनटू 2 प्लस 2x स्क्वायर 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो यह आएगा 2 टाइम्स 1 माइनस x स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो आता है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, अब इससे माइनस 4x स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये और ये से कैंसिल कर दो तो यहां पे आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर मतलब 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू 2 टाइम्स 1 माइनस x स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, एंड वी शुड नो कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर x नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर मॉड x होता है, हेंस ये आ जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि
ऑप्शन में मॉड कंसिडर नहीं करा गया है तो हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 2/1 + x². वैसे तो मॉड कंसिडर करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दिस इसके डिफरेंशिएशन इसको अगर देखें तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो याद रखो ये जो फंक्शन है प्लस माइनस वन पे नॉट डिफरेंशियबल होता है, नॉट डिफरेंशियबल एट प्लस माइनस वन। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, सिंपल। तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 65, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। dy by dx पूछा है तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन y, डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन उससे थोड़ा सा आंसर का फॉर्मेट बन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस साइन y को लिख लो a प्लस वाई माइनस ए, और यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो आएगा टैन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमें dy by dx निकालना है तो इसको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर लो, dx by dx ये 1 हो जाएगा, cos a as a constant है, tan y का हो जाएगा sec square a plus y, a plus y का a का 0, y का dy by dx और sin a का फिर 0, this is 1। तो यहां से dy by dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये नीचे कॉस स्क्वायर होगा तो ऊपर सेक स्क्वायर से ये ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, दिस इज द आंसर, सिंपल, बी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन इज 2 मीटर हाई, ये रेट मेजर का क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस तरह के क्वेश्चंस करे होंगे अगर पढ़ा होगा तो। एक मैन है जो 2 मीटर हाई है, उसकी हाइट 2 मीटर की है, पी क्यू मान लेते हैं, लैम्प पोस्ट 5 मीटर हाई है, ध्यान से पढ़ो, मैन की हाइट 2 मीटर है, ये लेंथ एक्स मान लेते हैं, ये लेंथ वाई मान लेते हैं, इस पॉइंट को आर मान लेते हैं। A man walks at a uniform speed of 6 meter per second away from the lamp post. Man अगर यहां पे है तो यहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो x बढ़ेगा, तो ऐसे केस में हम लिखते हैं dx by dt, x बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो x बढ़ेगा और y थोड़ा, y is the shadow, y उसकी shadow है, ठीक है, वो भी आगे increase करती जाएगी। तो ये कहां से आगे बढ़ रहा है, लैम्प पोस्ट तो फिक्स्ड है, मैन आगे की तरफ बढ़ेगा तो dx by dt will be 6 meter per second, at what rate which the length of his shadow increases, ये जो y दिख रहा है वो उसकी शैडो है, तो इस तरह के ट्रायंगल में इसको थीटा ले लो, ट्रायंगल ए बी आर देखो पूरा ट्राइंगल और टैन थीटा लगा दो,
टैन थीटा ए बी आर में क्या आएगा, परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस में क्या है एक्स प्लस वाई, बेस में क्या है एक्स प्लस वाई, और फिर ट्राइंगल पी क्यू आर ले लो टैन थीटा फिर लगा दो, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 2 बाय वाई, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल का ही कंसेप्ट है। फाइव वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 3y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2/3x आ गया यहां से। अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर लो, रेट ऑफ चेंज dy बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में ही करा जाता है हमेशा, 2/3 dx बाई dt, dx बाई dt हमें 6 गिवन है, यहां पे 6 रख देते हैं, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इट्स आंसर इज सिंपली ए। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, उसमें पढ़ा होगा ये। अब है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए, स्लोप dy बाई dx से तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दिस इज 4x, दिस इज 3 cos x, x को उठा के जीरो रख दो, x को जब तुम जीरो रखोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आ रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा -1/3, तो स्लोप हमें पता है, पॉइंट और पता करना है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला y-y1 m टाइम्स x-x1 लग जाएगा किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए जो कि यहां पे नॉर्मल है, x को जरा जीरो रखो, यहां x को जीरो रखने पे y भी जीरो आ रहा है, तो x को जीरो रखने पे y जीरो आ रहा है, तो y1 भी जीरो, m क्या है -1/3 एक्स माइनस जीरो, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो, ये नॉर्मल हो गया सिंपली, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो, ए इज द नॉर्मल। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें y1 मतलब dy by dx भी निकालना है, d2y by dx स्क्वायर भी निकालना है, तो पहले तो हम y1 मतलब dy by dx निकाल लेते हैं, y1 मतलब क्या होता है dy by dx, आराम से करना होगा इस क्वेश्चन को, 3 cos, cos का डिफरेंशिएशन sin ln x log x, कैलकुलस में बेस ना दे रखा हो log का तो बेस e ही लेके चलो, और ln x का 1/x, फिर 4 sin का cos ln x और ln x का 1/x, ठीक है। अब हम y2 निकालेंगे, y2 मतलब d2y by dx square, इसका एक -3 बाहर ले लेते हैं और यहां पे हम लगा देंगे क्वेश्चन रूल, 1/x बाहर कर लो, सॉरी क्वेश्चन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस हैं, साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ ln x और ln x का फिर से 1/x, तो x स्क्वायर। अब 1/x को डिफरेंशिएट जब तुम करते हो तो आता है -1/x स्क्वायर साइन ऑफ ln x, ठीक है। अब यही चीज यहां पे करेंगे, तो यहां पे जब करोगे तो 4 बाहर ले लो, 1/x बाहर लिया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ln x और ln x का 1/x स्क्वायर, फिर 1/x को करोगे तो -1/x स्क्वायर cos of ln x, ठीक है। तो y2 यहां से आ जाएगा 1/x स्क्वायर, ओवरऑल पूरे से कॉमन ले लो,
माइनस थ्री कॉस एल एन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, माइनस थ्री कॉस एल एन एक्स सही है, प्लस थ्री साइन एल एन एक्स, ठीक है। अब यहां पे आएगा माइनस फोर साइन एल एन एक्स और माइनस कॉस एल एन एक्स, माइनस कॉस एल एन एक्स माइनस कॉस एल एन एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा इसको ऐसे लिख लो पहले, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस थ्री माइनस, ये माइनस साइन एल एन एक्स हो गया, माइनस कॉस एल एन एक्स माइनस, ये हो जाएगा माइनस फोर कॉस एल एन एक्स, एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई टू, एक्स स्क्वायर वाई टू क्या आ रहा है, माइनस साइन एल एन एक्स माइनस फोर कॉस एल एन एक्स, कैलकुलेशन एक बार देख लेना फिर से। ठीक है, अब y1 x y1 y1 ये आ रहा है, इसको x से मल्टीप्लाई कर लो, तो x y1 देखो जरा क्या बनेगा, x y1 बनेगा माइनस थ्री साइन एल एन एक्स प्लस फोर कॉस एल एन एक्स, तो x y1 इसमें ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एक्स वाई वन क्या आ रहा है, एक्स वाई वन आ रहा है, एक्स वाई वन इज माइनस थ्री साइन एल एन एक्स प्लस फोर कॉस एल एन एक्स, इसको ऐड करेंगे तो आ रहा है माइनस फोर साइन एल एन एक्स, चेक कर लो एक बार इधर, ये अच्छा ये फोर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये फोर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस सेवन बनेगा, तो ये माइनस सेवन और प्लस थ्री करोगे तो ये आ रहा है माइनस फोर और ये माइनस थ्री कॉस एल एन एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, इसमें वाई भी ऐड करना है, वाई कितना दे रखा है देखो जरा, वाई दे रखा है तुम्हें थ्री कॉस एल एन एक्स प्लस फोर साइन एल एन एक्स, थ्री कॉस एल एन एक्स प्लस फोर साइन एल एन एक्स, ये एल एन एक्स है, इसको ऐड कर दोगे तो फाइनली जीरो आ जाएगा, और रिकमेंडेशन यही है कि इस तरह के जो बड़े क्वेश्चन हैं उसको एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए तो याद ही रखो, बी इज द आंसर, सिंपल। तो ये क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम आया तो तुम्हें याद होना चाहिए, काफी टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल वैल्यू फंक्शन है, अगर एक्स के से छोटा है तो के एक्स स्क्वायर, एक्स के एक्स सॉरी टू से बड़ा है तो थ्री, कॉन्टिन्यूस है टू पे, तो टू पे पहले तो तुम एल एच एल निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में करना कुछ नहीं होता है, सीधे सीधे टू उठा के यहां रख दो, तो आ जाएगा फोर के, टू से बड़ा है तो आर एच एल, यहां पे भी टू रख दो, टू है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, तो ये थ्री आ जाएगा, तो एटलीस्ट एल एच एल आर एच एल के बराबर तो आना ही चाहिए फॉर कंटिन्यूटी, तो के की वैल्यू नेसेसरी है कि थ्री बाई फोर आए, के मस्ट बी थ्री बाई फोर, के की वैल्यू कम से कम थ्री बाई फोर आनी चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, अभी वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है,
तो इसमें हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। सो दिस विल बी 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, नीचे गौर से देखो तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सो यहां से आ जाएगा ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो टेन एक्स सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लो तुम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो फाइनली इंटीग्रल हो जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू प्लस टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस वन डीएक्स। तो टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, ये पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स हो जाएगा टू सेक एक्स, और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आता है। सिंपल, तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है। टू टेन एक्स प्लस टू सेक एक्स, टू टेन एक्स प्लस टू सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इट्स आंसर इज बी। सिंपल, इसका आंसर क्या आ रहा है, बी। तो आई थिंक एक आइडिया लग गया होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस इस तक इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीएचयू में, और हर साल ऐसे ही क्वेश्चंस लगभग आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग।